नमस्कार, मैं हूं केतल और आप देख रहे हैं द टाइम शो। द टाइम शो में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है द वनिका भार्गव। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू केतल। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम वनिका भार्गव है। मैं एक कंपनी रन करती हूँ जिसका नाम क्रिएटिव शोज है। बेसिकली इस कंपनी को हम एक वेडिंग रिसर्च कंपनी कहते हैं, क्योंकि इस कंपनी में आप वेडिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो प्री वेडिंग आपका प्लानिंग हो, चाहे आपकी मैगजीन हो, चाहे टॉक शो हो। सो आपको जैसा भी चाहिए, जैसा भी कंटेंट आप समझना चाहते हैं वेडिंग के ऊपर, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है वेडिंग को लेकर। जी बिल्कुल। वर्णिका जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, ये होता क्या है? सो अगर मैं प्री मैरिटल की बात करूँ, हमने बहुत बार सुना होगा कि हम शादी के बाद मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, बट क्या कभी हम शादी से पहले किसी काउंसलर के पास जाते हैं? उसमें क्या होता है ना कि आप जब शादी से पहले जब आप सोच रहे होते हो कि आपको शादी करनी है या प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे अगर आप काउंसलिंग लेते हो तो उसको बेसिकली हम एक प्री मैरिटल काउंसलिंग बोलते हैं। वर्णिका जी, ये बात तो सुनी है कि शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हो तो फिर अपने प्रॉब्लम्स लेके कोई काउंसलिंग के लिए जाता है, लेकिन ये प्री मैरिटल काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है उसकी ज़रूरत क्या है? अगर मैं बात करूँ कि इसके कॉन्सेप्ट की, सो बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार अरेंज मैरिजेस करते हैं या लव मैरिजेस भी करते हैं, तो हमारे कम्युनिकेशंस नहीं हो पाते। प्री मैरिटल हम इसलिए ही रखते हैं जिससे कि हम अपने पार्टनर से समझ सकें, उनसे क्लियर कर सकें कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फिर चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हमारे फाइनेंशियल इश्यूज को लेके हों, फैमिली प्लानिंग को लेके हों, हमारे आगे के गोल्स को लेकर हों, या किसी भी तरीके के अगर हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हम आगे अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें, एक दूसरे को समझ लें, और उसके बाद ही हम डिसाइड करें कि हम उस इंसान के साथ आगे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वनिका जी, इंडिया में इस काउंसलिंग को लेकर कितनी अवेयरनेस है और लोग कितना आगे आते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? आपने ये चीज़ तो ऐसे सुनी होगी कि हम कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते। जी, हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि हमें अगर प्रॉब्लम है तो हम किसी और से कंसर्न कर लें, दोस्तों से चले जाएं, रिश्तेदारों के पास चले जाएं, लेकिन किसी काउंसलर के पास नहीं जाते, जबकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन वहीं अगर हम बोलें, इंडिया में अगर मैं कभी भी बात करती हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग्स आपको लेनी चाहिए, तो लोग ऐसे रहते हैं, क्यों, उसकी ज़रूरत क्या है? जी, हालांकि उनको ये पता है कि इम्पोर्टेंस बहुत है इस चीज़ की, अगर वो इस चीज़ को लेके जाएंगे तो आगे उनकी ही लाइफ अच्छी होगी, बट कोई भी इनिशियली बाहर आना नहीं चाहता उसको लेके। और आपके पास अगर वो आते भी हैं तो इस तरह से आते हैं कि जैसे आप उनकी कोई भी बात किसी शेयर ना कर पाओ, आप किसी को ये मत बोल पाओ कि वो आपके क्लाइंट रह चुके हैं। जी, तो इस तरह का इस टाइम पे अभी इंडिया में प्री मैरिटल काउंसलिंग को लेके है। आपके हिसाब से लोग आज भी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे जा रहे हैं इस बात को जाहिर करने में, तो इसकी तरीके कौन से है काउंसलिंग के और इसके रिजल्ट क्या मिलते हैं? जैसे अभी मैंने आपसे ये चीज़ कहा कि हम साइकोलॉजिस्ट की बात अगर करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाना नहीं चाहता, वो रीज़न ही यही है। आज के टाइम में क्यों लोग बाग काउंसलिंग का नाम सुनते पीछे हट जाते हैं, उनका ये होता है कि नहीं, हमें किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने दोस्तों से शेयर करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर करने लगते हैं, लेकिन आप खुद से ये चीज़ पूछिए, क्या कभी आपको वो रिज़ल्ट प्रॉपर मिल पाता है? जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग किस तरीके से लेना चाहते हो, तो इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी थ्योरी हम यूज़ करते हैं, कई बार बहुत सारे गेमिंग्स के थ्रू हो गए या फिर बहुत सारे Q&A के थ्रू हम इन चीज़ों को लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना है या आपको किसी के ऑफिस जाके नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस भी करा सकते हो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकता या मैं किसी के सामने अपनी फीलिंग्स ऐसे सामने बैठ के नहीं बोल सकता, बट हाँ मैं फ़ोन पे बोल सकता हूँ या फिर मैं ऑनलाइन किसी से बात करके कर सकता, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली किसी के ऑफिस में जाके ही बैठना है और उनसे काउंसलिंग करनी है। आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई ठीक है, आप कॉल से कर लो, उनसे ऑनलाइन कर लीजिए, आप अगर
बस बेस्ट होता है कि अगर आप उनसे पर्सनली जाके मिलें, जिससे कि वो आपको समझ पाए। तो ये कुछ तरीके हम यूज करते हैं। वर्णिका जी, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़े से शाय किस्म के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से सिक्योरिटीज के भी प्रॉब्लम होते हैं कि फोन भी कहीं टैप हो जाएगा, कुछ हैक हो जाएगा। उन लोगों के लिए कोई और तरीका भी है? जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं या बहुत शाई किस्म के होते हैं, तो उनके लिए हम बहुत क्लियरली उनको चीज़ बोलते हैं कि आप कोशिश करो कि आप हमसे पर्सनली आके मिलो। आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाओ जो आपके नियर बाय हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आजकल गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके नियर बाय काउंसलर्स कौन है, तो आप वहाँ पे इजीली जाके उनसे बात कर सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो। तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, जो आपकी इन्फिनिटीज हैं कि भाई आपका कोई आपका पता तो नहीं लगा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं वो इस तरीके से की जाती हैं कि वहाँ पे आपकी पूरी सिक्योरिटी रखी जाती है कि कोई आपका इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रहा है या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं और लीक तो नहीं हो रही है। वनिका जी, क्या ये है कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं वही लोग काउंसलिंग करें, या फिर ये भी हो सकता है जिन लोगों ने शादी के लिए मन बना रहा हो, सोच के रखा हो कि शादी करनी है, वो लोग भी ये काउंसलिंग करवा सकते हैं? इसको हम बोलते जरूर प्री मैरिटल काउंसलिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग जो अपनी शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस काउंसलिंग को ले सकते हैं। बट ऐसे भी लोग हमारे से जुड़ सकते हैं जो कि बोलते हैं कि हम अभी सोच रहे हैं या हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे होते, हम अपने डिसीजन अपने एज के ऊपर आके अपने फैमिली प्रेशर्स में आके ले रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप सही में शादी के लिए रेडी हैं या नहीं है। वनिका जी, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिवोर्स, उस रेशियो में प्री मैरिटल काउंसलिंग की क्या इफेक्ट रहती है? आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो डिवोर्स केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। तभी हम उस रीज़न को वक्त रखते हुए हम उस पर रिसर्च करते हैं कि क्यों वो डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। तो हमने ये चीज़ देखा था कि जो कोविड टाइम था, तो उस टाइम पे सबके जो स्पेसेस थे वो ख़त्म हो चुके थे, सब अपने अपने घर में रहने लगे थे। तो जहाँ पे बोलते ना कि एक कम्युनिकेशन हो रहा था, वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन की जगह वो आर्ग्यूमेंट्स होने चालू हो गए थे। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, लोगों के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तो उसकी वजह से डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों डिवोर्स केसेस हो रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अभी से एक साथ रह रहे हैं, वो बहुत सालों से साथ रह रहे हैं, तो तब ये चीज़ आई कि जब हम शादी करने जा रहे थे या जब हम सोच रहे थे, तो हमने कभी इन सिचुएशंस के बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर हमें कभी एक साथ हमेशा रहना पड़े, बोलते ना 24 घंटे अगर हमें साथ में रहना पड़े, तो हम अपने वो 24 घंटे निकालेंगे कैसे। हम कभी भी हम हमेशा ये सोचते हैं जो हम कमा रहे हैं वो हमारी कमाई है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप एक कपल हो, तो वो आप दोनों की जिम्मेदारी है, आप दोनों की कमाई है। वैसे ही आपकी फैमिली प्लानिंग हो गई, आपके खुद के पर्सनल गोल्स हो गए, तो ये चीज़ें आप जब तक पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम करेंगी करेंगी। और आज के टाइम में कोई भी ऐसा कपल नहीं है या कोई भी ऐसी शादी नहीं है जो शायद 30 से पहले हो रही हो। मैक्सिमम शादियां आज के टाइम में जो हैं वो 30 के बाद होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए होते हो। उस टाइम पर आपका ऐसा होता है कि मैं भी कमा रहा हूँ, सामने वाला भी कमा रहा हूँ, तो हम क्यों किसी की सुनेंगे। तो वहाँ पे इस तरह की काउंसलिंग काम में आती है, जहाँ पे आप अपने हर एक एक्सपेक्ट को सामने रखते हैं कि आपको फाइनेंशियली कैसा रहना है, आपके आगे के करियर गोल्स क्या है, करियर फ्यूचर क्या है आपका, फैमिली प्लानिंग को लेके आप लोगों की क्या सोच है। क्योंकि बोलते ना, जहाँ आपकी शादी हुई नहीं, एक साल नहीं तो 2 साल मैक्सिमम, आपके इन लॉज नहीं तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको आगे फैमिली प्लानिंग के लिए बोलने लगता है। वहीं अगर आप लोग का अपना खुद का माइंडसेट है कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना है, मेरे को अपना फ्यूचर पे ध्यान देना है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक ही की होनी चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों को लेकर आते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आते हैं, तो अल्टीमेटली वो डिवोर्स केसेस हमारे एकदम बोलते ना कि जहाँ आज के टाइम पे 75% होंगे, तो इस कोशिश से, इस चीज़ से हमारे वो 30-40 के ऊपर आ जाते हैं हमारे।
तो वंदिका जी ऐसा कह सकते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर। आपने बहुत सारे केसेस शट आउट किए होंगे, लोगों के फीडबैक क्या आते हैं? इनिशियली जब हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो आते हैं उसमें कि हमें डिवोर्स चाहिए। लेकिन जब उनकी काउंसलिंग होना चालू होती हैं, जब उनके सेशंस होने चालू होते हैं, तो उनको खुद समझ में आता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ डिवोर्स हो। कई बार सिर्फ एक छोटा सा कम्युनिकेशन करने पर ही काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। और जब उनके जैसे जैसे सेशंस पूरे होते हैं और उसके बाद जो उनमें चेंजेस हमें दिखता है, एक पॉजिटिव चेंजेस उनके सामने आता है, और वो आके हमें ये बोलते हैं कि आपके सेशंस की वजह से या आपके काउंसलिंग की वजह से आज हम एक अच्छी लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, आज हम लोग के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई और रिवॉर्ड नहीं हो सकता है। वर्णिका जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी इम्पोर्टेंट जो बातें आपने बताई है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।